नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है आज दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। तमिलनाडु के 15 पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद समेत कई नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिसे आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, ईडी की अर्जी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोर्ट ने जारी किया समन। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इसे लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। गोवा के एक मंत्री की बड़ी मुश्किलें, विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने दर्ज कराई शिकायत, सरकारी अधिकारी को धमकाने का भी लगा आरोप। केंद्र सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कुछ मात्रा में व्यापार भूमि और समुद्री मार्गों के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन पड़ोसी देश ने भूमि सीमा के माध्यम से सभी व्यापार को एक तरफा रोक दिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में कहा कि यह पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वह अपने क्षेत्र के माध्यम से मध्य एशियाई देशों में भारतीय सामानों के पारगमन की अनुमति दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई, जहां पीएम ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसा और पंडित नेहरू की एक चिट्ठी का भी जिक्र कर कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया। मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। पीएम ने सैम पित्रोदा पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के एक मार्गदर्शक अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस परिवार के बहुत करीबी हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषणों पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब के कुछ हिस्से को हटाने पर आपत्ति जताई। उच्च सदन में बोलते हुए खड़गे ने मांग की कि उनकी हटाई गई टिप्पणियों को पुनः बहाल किया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली मेट्रो की सवारी की। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य शहरवासियों के दैनिक अनुभवों से जुड़ना था। इस वाक्य का वीडियो अब सामने आया है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पीली साड़ी और मस्टर्ड कलर की स्वेटर पहने नजर आ रही है। पंजाब में बिना रजिस्ट्रेशन ई रिक्शा दौड़ाने वाले की अब खैर नहीं, ट्रैफिक पुलिस ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों पर नकेल कसने की कही बात। गुड़गांव में 12 एकड़ फैली अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, नोटिस के बाद भी नहीं मांगे दबंग तो की गई कार्रवाई। उत्तराखंड में आज प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी से हड़कंप मच गया है, जहां सुबह सुबह प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकाने पर छापेमारी की। इसके साथ ही ईडी ने नंद विहार कॉलोनी में पूर्व डीएफओ किशन चंद के आवास पर भी छापेमारी की है। वहीं खबर है कि आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक के घर पर भी ईडी ने रेड मारी है। रामनगरी अयोध्या से करीब 1600 किलोमीटर की दूर एक नदी से भगवान विष्णु की प्राचीन प्रतिमा मिली है। खास बात यह है कि भगवान विष्णु की ये प्रतिमा रामलला जैसी प्रतिमा ही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये प्रतिमा करीब 1000 साल पुरानी हो सकती है, जहां भगवान विष्णु के इस विग्रह के साथ ही एक प्राचीन शिवलिंग भी मिला है। चुनाव आयोग द्वारा अजित गुट को असली एनसीपी मानने के बाद अजित पवार गुट ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अजित पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। अजित पवार गुट ने कहा है कि अगर शरद पवार गुट कोई याचिका दाखिल करता है तो उनका पक्ष भी सुना जाए, कोर्ट एक तरफा रोक का आदेश ना दे। भाजपा के रालोद से नजदीकी बढ़ने और गठबंधन की अटकलों के बीच समाजवादी पार्टी में बेचैनी है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इन चर्चाओं को लेकर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव का कहना है कि जयंत चौधरी एक पढ़े लिखे व्यक्ति है और वह राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि वह किसानों की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार झारखंड के वरीय पुलिस पदाधिकारियों की बैठक आज देवघर में आयोजित की गई। इस बैठक में चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने साधा झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना, बोले उनके परिवार ने आदिवासियों को लूट कर भरा अपना घर। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में हुए पटाखा फैक्ट्री में भीषण हादसे के बाद राज्य सरकार एक्शन में है, जहां हरदा हादसे से सबक लेते हुए मोहन यादव सरकार ने अनियमितताओं को लेकर पिछले 24 घंटे में इंदौर में 6 पटाखा गोदामों को सील कर दिया है।
महाराष्ट्र के नागपुर शहर में एक बस के अंदर उस वक्त हड़कंप मच गया जब उसमें संदिग्ध वस्तु होने की सूचना मिली। दरअसल राज्य परिवहन की एक बस में संदिग्ध वस्तु मिली थी। इसकी जानकारी बम जांच एवं निपटान दस्ता को दी गई, जिसके बाद जांच टीम निरीक्षण करने के लिए पहुंची और संदिग्ध वस्तु को अपने साथ ले गई है। गुजरात में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान अंकों की गणना में गलती करने पर 9000 से अधिक स्कूली शिक्षकों पर 2 वर्षों में 1.54 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। राज्य के शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में यह जानकारी दी है। राजस्थान की वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी कल पेश करेगी राजस्थान का बजट। युवाओं और किसानों के लिए किया जा सकता है बड़ा ऐलान। हिमाचल प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन कर रही है। इसी क्रम में आज दिल्ली में हाईकमान के साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य नेताओं ने बैठक की, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति तय करने पर चर्चा हुई है। जम्मू के पहाड़ी समुदाय को मिलेगा अनुसूचित जनजाति का दर्जा, LG मनोज सिन्हा ने बताया ऐतिहासिक कदम। बंगाल में मवेशी तस्करी, शिक्षक भर्ती, पालिका भर्ती तथा राशन आवंटन घोटाले के बाद अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा में व्यापक फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। मनरेगा कोष के गबन की जांच के सिलसिले में ED ने राज्य में पहली बार कई स्थलों पर एक साथ छापेमारी की। इस फर्जीवाड़े में कई वरिष्ठ पूर्व व वर्तमान अधिकारियों की संलिप्तता भी सामने आई है। खाने के बाद कुछ मीठा खाने का दिल सभी का करता है, लेकिन मीठा खाने की वजह से शुगर लेवल से लेकर कई तरह की बीमारियां भी लोगों को परेशान कर रही है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन लेकर आए हैं जो टेस्ट और हेल्थ दोनों में जबरदस्त है। ये डिश है मखाने की खीर। मखाने में कैल्शियम फाइबर भरपूर रूप में होते हैं, साथ ही इसमें कैलोरी की मात्रा भी कम होती है और यह आपके सेहत को काफी फायदा पहुँचाता है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की ओर से 7,581 रिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.dssb.delhi.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बाकी है। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को भी दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सके अपडेट।